हे हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पाइथन मिस्ट्री के बारे में दिस इज मिस्ट्री नंबर टू ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना के रखा है मिस्ट्री के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड ऑपरेटर्स के बारे में जब भी आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो करते तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस इक्वल टू बी इज एग्जैक्टली सेम एज ए इक्वल टू ए प्लस बी बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज़ मल्टीपल केसेस में कंपाउंड ऑपरेटर से किया गया ऑपरेशन एंड नॉर्मल ऑपरेशन सेम होता है लेकिन देर आर सम केसेस इनमें ये ट्रू नहीं है सेम नहीं होता है बट द फैक्ट इज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं विथ एग्जाम्पल इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए हैज वैल्यू टेन टेन के लिए मेमोरी अलोकेशन किया जाएगा एंड ए विल बी दैल्यू टेन टैग मीन रेफर प्रिंट करता हूं यहां पर वैल्यू ऑफ एज एज आई डी ऑफ ए आई डी फंक्शन का मैं यूज करूंगा टू प्रिंट मेमोरी एड्रेस आई डी फंक्शन मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है सी पाइथन केस में मेरा कंपाइलर सी पाइथन है और जनरली कंपाइलर सी पाइथन ही होता है अब सपोज मुझे टेन एड करना है इन टू ए देर आर टू ऑप्शन मैं नॉर्मल तरीके से कर सकता हूँ और मैं कंपाउंड ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ सपोज मैं लिखता हूँ ए प्लस टेन एंड असाइन टू द सेम वेरिएबल सो मैं क्लियर करता हूँ एंड हियर यू विल सी द मेमोरी एड्रेस आर डिफरेंट मींस एक नया मेमोरी अलोकेशन किया जा रहा है सपोज मैं नॉर्मल वे की बजाय कंपाउंड ऑपरेटर का यूज करता हूं हियर आई विल राइट ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर टेन एंड आई एम रनिंग इट एंड हियर यू विल सी मेमोरी एड्रेसिस इन दिस केस ऑल्सो इंटेजर हो गया फ्लोट हो गया कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई इनकेटर एंड नॉर्मल वे सेम बिहेव करता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड रेफरेंस नए ऑब्जेक्ट का बनेगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन सेम बिहेवियर हमें लिस्ट में नहीं दिखेगा एज लिस्ट इज इम्यूटेबल कलेक्टिव डेटा टाइप म्यूटेबल कलेक्टिव डेटा के साथ आपको same behavior नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके का memory allocation किया जाता है ए के लिए मेमोरी अलॉकेट किया जाएगा एंड देन रेफरेंसिस को स्टोर किया जाएगा यहां पे टेन ट्वेंटी एंड थर्टी का रेफरेंस अब मैं प्रिंट करता हूं वैल्यू ऑफ ए एंड आईडी ऑफ ए अब मैं ए को चेंज करता हूं इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करता हूं मेरे पास दो तरीके नॉर्मल वे एंड कंपाउंड ऑपरेटर सबसे पहले मैं नॉर्मल वे यूज करता हूं ए प्लस एक नया लिस्ट है मेरे पास कंटेनिंग टू वैल्यूज फोर्टी एंड फिफ्टी एंड असाइन टू द सेम वेरिएबल ए अगेन आई एम प्रिंटिंग दिस थिंग क्लियर द स्क्रीन एंड यू विल सी आईडीज आर डिफरेंट यहाँ पे जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा एक कंप्लीट न्यू लिस्ट क्रिएट होगी सो ए एंड दिस ए देन है यहाँ पे कंप्लीट नया लिस्ट बन रहा है देन ये जो लिंक्स है ये ब्रेक हो जाएगी और आप इसे दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं अब मैं यूज करता हूं कंपाउंड ऑपरेटर का यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस हमें डिफरेंट मिले नॉर्मल केस में अब देखते हैं कंपाउंड ऑपरेटर में क्या है सो क्लियर द स्क्रीन एंड हियर यू गो आपको सेम मेमोरी एड्रेसेस मिलेंगे यहां पे ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो रहा है सो एरे ओरिजिनल लिस्ट में दो इलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं फोर्टी एंड फिफ्टी सो अगर आप कंपाउंड ऑपरेटर के केस में कुछ चेंज करते हैं ओरिजिनल लिस्ट में तो वो ओरिजिनल लिस्ट में रिफ्लेक्ट होता है Whereas अगर आप नॉर्मल वे यूज़ करते तो ओरिजिनल लिस्ट आपको वैसी की वैसी मिलेगी एक नया लिस्ट आपको क्रिएट करके मिलेगा इन दिस नॉर्मल वे अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा बिहेवियर क्यों है ये बिहेवियर आपको सिर्फ ई म्यूटेबल कलेक्टिव टाइप्स के साथ ही देखने को मिलेगा यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर्स के साथ हम एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर सकते एज नॉर्मल वे में आप थर्ड वेरिएबल यूज कर सकते हैं एंड वो जो थर्ड वेरिएबल है वो हम न्यू लिस्ट के लिए यूज करेंगे इसीलिए नॉर्मल वे न्यू लिस्ट बनाता है वेर यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो ये न्यू लिस्ट नहीं बनाएगा अब ऐसा डिफरेंट बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिलता है लिस्ट के साथ एंड द आंसर इज दे बोथ यूजेस डिफरेंट मेथड्स Compound operators के लिए I add method को को किया किया जाता जाता है, है. So, अगर आप normal operation करते तो इस केस में normal add method को call किया जाता है। And ये दो डिफरेंट मेथड्स पाइथन क्रिएटर्स ने बना के रखी है ये बिहेवियर आपको सिर्फ म्यूटेबल कलेक्टिव डेटाइस में ही देखने को मिलेगा इम्यूटेबल कलेक्टिव डेटाइस में ए प्लस इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस बी रिमेंबर दिस थिंग इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम